चैनल और आज हम लोग जा रहे हैं बंजारा मार्केट। एक्चुअली जैसे कि आपने देखा होगा पहले कुछ वीडियोस में कि रुचा दी अभी अभी शिफ्ट हुई हैं तो उनको कुछ डेकोर के आइटम खरीदने थे और मैंने सोचा मैं भी कुछ अगर मिल जाएगा तो हम भी लेकर आ जाएंगे क्योंकि दिवाली आ रही है। और हाँ कॉइन देख लो भाई क्यू के पास कॉइन है और बस अभी हम वेट कर रहे हैं पार्किंग में रुचा दी का कि वो आ जाए जल्दी से तो लेट्स सी कितनी देर में आती हैं। और एक और इसमें आज नई चीज़ है कि जब से कार आई है ना रुचा दी आज पहली बार इस कार की जो है ड्राइव लेंगी क्योंकि उनको कभी मौका ही नहीं मिल पाया तब से। कितनी बार प्लान बना लेकिन फिर वही होता था कि कुछ ना कुछ हो जाता और प्लान जो है प्लान फेल हो जाता था तो अकम्प्लिश नहीं हो पाया कभी भी प्लान। तो आज देखते हैं लेट्स सी अब आएंगी रुचा दी और उनसे पूछेंगे बाद में कि उन्हें कैसा लगा। तो चलिए अभी बंजारा मार्केट चलेंगे और वहाँ दिखाएंगे आपको अच्छी अच्छी चीज़ें जो भी डेकोर आइटम हमको दिखेंगे। क्यों ओला कल एक्चुअली अभी स्पेनिश का एग्जाम है शोना का बस वही लास्ट बचा है तो अभी ओला पोला यही करेगा। पेंसिल गिरा है। हाँ पेंसिल गिर गया। हाँ। कोई बात नहीं। और आज दोनों ने सेम टी शर्ट पहनी है देखो सेम जीन्स डाली है। आई मीन हाँ सेम जूते देखो ब्लैक। हाँ बिल्कुल हाँ ट्विंस हो गए बस थोड़ा सा डिफरेंस है। ये लड़की कौन से डायरेक्शन में जाना चाहती है अब कहाँ जा रही हो बंजारा मार्केट। अरे चदी आज एक और चीज है फर्स्ट टाइम बंजारा मार्केट जा रही हो और फर्स्ट टाइम ही कार में बैठ रही हो है नहीं इट्स अ न्यू कार इट इज रेडी डैडी के पास है अपने। There's not much to do when all I can is thinking about you not doing well. Don't know where you are 'cause you're not here. It's been way too long. Down beside you वो छोड़ो पहले भी बताओ कैसा लग रहा है यहाँ पर। अच्छा लग रहा है। क्यों आपको कैसा लग रहा है अच्छा। रुचा दी आप हैं यहाँ या चली गई कहीं तो यस अब हम पहुंच गए हैं बंजारा मार्केट और जैसा कि आप हमारे कैमरे के थ्रू देख सकते हैं जो लोग आगे ड्रेस में चल रहे हैं वो सब कमेटी वाले हैं और ये देखिए कितनी तोड़फोड़ हो चुकी है। तो आने के बाद एक्चुअल में लगा कि हाँ भाई यहाँ पर जो मार्केट है वो शायद यहाँ से जा रहा है और जगह कहीं और मिलेगी नहीं मिलेगी ये भी सब कुछ अनप्रेडिक्टेबल है तो वो तो कुछ टाइम के बाद ही पता चलेगा। और सामान भी बहुत कम था अगर आप पिछली वीडियोज़ को कंपेयर करेंगे तो इस बार काफ़ी कम सामान हमको देखने को मिला क्योंकि आधे से ज़्यादा दुकानें जो हैं वो यहाँ से हट चुकी हैं टूट चुकी हैं। और ये देखिए क्या हालत है तो होम डेकोर वाले के लिए तो एक बहुत ही बड़ा धक्का आप कह लीजिए ये है क्योंकि उनके लिए तो एक कहते हैं ना होम डेकोर करने के लिए एक हब है ये यहाँ पर कि आपको जो भी आइटम चाहिए डेकोरेशन से रिलेटेड आप यहाँ से ले सकते हैं। तो भाई चलिए अब शॉपिंग पर आ जाते हैं और हम पहुँच गए ये सबसे आखिरी वाली शॉप पर। और यहाँ पर क्या था कि कुछ जैसे ये कुशन कवर है इनके पेयर्स हैं तो रेट तो वही है कि अब भी ऐसा नहीं है कि कुछ ज़्यादा सस्ते में ये दे रहे थे रेट तब भी उनके वही थे जो डबल ये बोलते हैं आपको उनको जस्ट हाफ़ करना है और फिर अपने अकॉर्डिंग बार्गेन करनी है। तो ये देखिए यहाँ पर रग्स वगैरह हैं ये काफ़ी सही रेट में मिले तो ये जो लास्ट शॉप थी इन्होंने काफ़ी अच्छे रेट्स में जो है चीज़ें दी तो इनसे ज़्यादा बार्गेनिंग करने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जैसे ये मैट वगैरह हैं ये 200-250 रुपये में बोल रहे थे और इनका जो साइज़ है वो भी काफ़ी ठीक था। तो काफ़ी वैरायटी है रग्स की भी मैट की भी यहाँ पर। और मुझे तो ये जो इस तरीके के कॉटन वाले रग्स होते हैं वो काफ़ी पसंद है क्योंकि ये ईजी टू वॉश होते हैं और जो वो एंटी स्लिप वाले होते हैं उनकी रबड़ ख़राब हो जाती है। और ये कुछ है यहाँ पर इस तरीके से टेबल मैट तो हम सोचे थे 6 पीस हमको मिल जाए लेकिन नहीं दो दो के पेयर थे तो हमने सोचा नहीं छोड़ो इनको फिर नहीं लेते हैं। और यहाँ से मैंने जो है सोफ़ा थ्रो वगैरह लिए हैं वो काफ़ी रीज़नेबल प्राइस में थे 200-250 रुपये में इस तरीके से आपको मिल गए। और ये देखिए अब इनसे बात करते हैं ये बता रहे हैं बस तोड़ रहे हैं नुकसान कर दिया सामान का सब हर चीज़ का। नहीं तो कहीं शिफ्ट भी नहीं करोगे गुड़गांव में कर ही नहीं रहे हमें जगह ही तो कब तक हो आप लोग यहाँ पे कोई पता नहीं मतलब कुछ पर्टिकुलर नहीं है दिवाली तक तो हो ही ना ये 4,000 रुपए का है कारपेट 1,000 रुपए में दे दूंगा
बिल्कुल फ्रेश है एकदम। कोई और सैंपल का पीस है, एक ये कलर है इसमें, एक 2000, ये 8000 का है, 2000 रुपए में दे दो। सो जो मैट वगैरह हैं वो आपको इजीली यहाँ पर 200 से 300 रुपए के बीच में मिल जाएंगे, और साइज़ देखिए काफ़ी अच्छा है। जो छोटे वाले मैट हैं वो आपको 100-150 रुपए में इस तरीके से मिल जाएंगे। तो ये देखिए इसका साइज़ कितना अच्छा है, और ये बता रहे थे 300 से 400 रुपए के बीच में, मतलब इजीली आप इसको ले सकते हैं। और अगर बार्गेनिंग करनी है तो फिर आपको इनसे बात करनी पड़ेगी। एंड ये आ गए हम क्रॉकरी सेक्शन पर, ये तो हमेशा देखने को मिलती है, एक से एक स्टाइलिश है यहाँ पर। बस प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर आपको जो भी सामान, अगर कुछ बड़ा आइटम पसंद आ रहा है तो, और उसको आप कार में कैरी नहीं कर सकते, तो आपको खुद ही अरेंजमेंट करना पड़ेगा कि कैसे उसकी डिलीवरी कराई जाए। और ये देखिए एक काफ़ी अच्छा रग था, ये थोड़ा राजस्थानी पैटर्न में था, 5x7 का था। मुझे चाहिए था कि मैं सोच रही थी कोई 5x7 में मुझे मिल जाए, जितना मेरे पास ऑलरेडी एक कारपेट है, पर देखा तो कलर थोड़ा सा डल लग रहा था तो वो मज़ा नहीं आया। पर रेट काफ़ी रीजनेबल थे इनके, यहाँ से मैंने कई सारी चीज़ें ली, जैसे ये है टेबल क्लॉथ ही है ये आपके, और ये काफ़ी अच्छे थे, क्वालिटी अच्छी थी। ये इन्होंने हमें जो है 3 पीस दिए थे 150 रुपये में, और अच्छे लगे, काफ़ी अच्छी क्वालिटी है। और ये देखिए आप रग्स वगैरह देख सकते हैं, ये जैसे टेबल रनर वगैरह हैं तो काफ़ी सस्ते थे। टेबल रनर आपको 200 के आसपास का मिल जाएगा, और 5x7 का जैसे कारपेट पड़ा हुआ है ये ग्रीन वाला, ये आपको 500 रुपये में वो मिल जाएगा, तो बहुत अच्छे प्राइस थे। लेकिन बारिश हो गई है अभी, और अभी हम अंदर खड़े हैं तो देखते हैं, अभी एक दो चीज़ें ली हैं, ज़्यादा तो नहीं ले पाए, एंड फिर आपको घर जाकर ही दिखाएंगे कि क्या क्या चीज़ें हमने ली हैं। लेडी बहुत कुछ चीज़ें थी, बट वही है, एक तो थोड़ा बार्गेनिंग करने में टाइम लगता है, ऊपर से बारिश हो गई है तो वैसे ही कुछ नहीं, और ऊपर से यहाँ पे कमेटी का भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, तो लेट्स सी अभी कुछ मिलेगा या नहीं मिलेगा हमें। और ये दिखाती हूँ, ये एक मैंने टेबल रनर लिया है, और इस तरीके के वुडन फ्रेम्स वगैरह आपने काफ़ी वीडियोस में भी देखे होंगे, पर वही है थोड़ा सा इनके साथ बार्गेनिंग करने में टाइम लगता है, और बस सबसे ज़्यादा टाइम उसी में ख़राब होता है कि एक तो चीज़ को चूज़ करो आप, क्योंकि चीज़ें भी सब कुछ ऐसी पड़ी हुई हैं, आपको खुद जो है उनको ढूंढना है। जैसे ये एक पीस था पैनल, मुझे अच्छा लगा, बट रेट बहुत ज़्यादा इसके हाई बता रहे थे, वो बता रहे थे 1200-1300 रुपये, तो फिर मैंने छोड़ दिया क्योंकि बहुत देर लग जाती है मगजमारी करने में ना, बार्गेनिंग करने में भी। और ये यहाँ पर मैट बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा जिसको बोलते हैं, और बस मैं और रुचा दी लगे हुए हैं शॉपिंग करने में। कुछ ये टेबल्स वगैरह थी, ये ग्लासेस वगैरह थे, इस तरीके से वॉल डेकोर आइटम्स, और ये देखिए यहाँ पर ये वास वगैरह हैं, ये कैंडल स्टैंड है, तो ऑलमोस्ट आपको वही है 200-300 रुपए में आराम से मिल जाती हैं चीज़ें, अगर आप बार्गेनिंग अच्छे से की तो आपको मिल ही जाएगा वो आइटम। यू हैव टू स्टिक ऑन दैट थिंग वेयर यू आर। और ये जैसे ये है, मैंने ये पूछा इनसे तो ये छोटे वाला जो मिरर है इसका वो प्राइस बता रही थी 1200 रुपये, और जो बड़े थे उनके 2200 रुपये, इस तरीके से, बिकॉज़ फ्रेम के ही पैसे हैं, मिरर के इतने कोई ख़ास पैसे होते नहीं हैं, और फिर इसमें हुक वगैरह भी नहीं था, तो उसके लिए भी आपको खुद ही सोचना पड़ेगा, बिकॉज़ मेरा पर्पज़ था इसको जो है वॉल पर डेकोर करने का, बट फिर आई थॉट कि नहीं यार ड्रॉप करते हैं आइडिया। एक तो सबसे बड़ी ले जाने की टेंशन, और ऊपर से डीमक ना हो, ये सबसे बड़ी टेंशन होती है, क्योंकि कई बार आपने वीडियो देखी होंगी जिसमें ये पता चलता है कि हाँ भाई डीमक भी लग जाती है इनमें, या डीमक होती है। और ये रग्स वगैरह यहाँ पर हमने इनसे पूछा तो ये 200-300 रुपए में मिल रहे थे, क्योंकि प्राइस तो ये हमेशा डबल बताते हैं, जितना प्राइस होता है उसका हाफ तो ज़रूर करना, जब भी आप इस तरीके की मार्केट में हों और कोई भी सामान खरीद रहे हों। तो आप देखिए कितने सुंदर सुंदर जो हैं रग्स वगैरह हैं यहाँ पर, और मन तो करता है ये भी ले लो, पर इतने सारे रखेंगे कहाँ, फिर वही आता है कि छोड़ो यार, अभी जितने लेने वो काफ़ी हैं। तो इस तरीके से आपको बहुत सारी चीज़ें यहाँ पर मिलेंगी। ये देखिए यहाँ पर जिस तरीके से जो क्रॉकरी वगैरह है वो हैं, या फिर लकड़ी के सामान हैं, वो सब आपको यहाँ पर मिल जाएंगे। लेकिन अभी तो इस तरीके का मार्केट हो गया, एक तो यहाँ पे सब चीज़ें जो है वो तोड़ रहे हैं, और ऊपर से सामान सब ऐसे ही पड़ा हुआ है, मतलब आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है, टाइम बहुत लगता है इन सब चीज़ों में। और ये जो पैनल्स वगैरह हैं, ये मैंने इनसे पूछा तो ये तो काफ़ी हाई रेट बता रही थी, जैसे ये तीनों मेरे को बड़े पसंद आ रहे थे, तो आप चाहे तो इनको जो है वॉल पर डेकोर कर सकते हैं, बट उसने जो बताया प्राइस वो 1500 बताया। तो और ये देखिए यहाँ पर ये सब चीज़ें भी आ गई हैं करवा चौथ के नाम की, और ये लाइट्स वगैरह हैं,
तो रेट अगर आप बात करेंगे ना तो इतना सस्ता नहीं है कि देखने में लगता है कि 100 रुपये का 200 रुपये का चीज़ें मिल जाएंगी, लेकिन प्राइस बहुत ज़्यादा आपको उनके साथ जो है बार्गेन करना पड़ता है। और ये सब देख सकते हैं, जैसे लैंटेन्स वगैरह हैं, ये कोई 1000 की बता रहे हैं, कोई 800 की बता रहे हैं, तो प्राइस सब इस तरीके से थे। तो मतलब वही है कि आप देख लीजिए, अगर आपको लगता है कि हाँ बार्गेनिंग में अच्छे हैं तो ज़रूर इस तरीके के मार्केट को जो है ट्राई कर सकते हैं। अभी तो ये मार्केट का पता नहीं आगे कितने दिन तक ये है या नहीं है, क्योंकि ये भी बोल रहे थे हमको 1-2 दिन में पता चलेगा, 1-2 से और हमने जैसे बात की। तो फ्रेम्स मुझे काफ़ी अच्छे लग रहे थे, यहाँ पे भी मैंने प्राइस पूछा तो इन्होंने भी जो है छोटे फ्रेम के 1500 रुपये बताए। तो फिर सोचा नहीं यार छोड़ो, अभी मेरा पर्पस था कि मैं का एक फ्रेम लेके चलेंगे, लेकिन फिर हमने ड्रॉप कर दिया आइडिया और फिर आ गए हम क्रॉकरी सेक्शन पे। यहाँ पे मैंने, मुझे 1-2 क्रॉकरी काफ़ी अच्छी लगी, प्राइस वगैरह भी काफ़ी अच्छे थे, तो फिर यहाँ से मैंने कुछ क्रॉकरी उठाई हैं, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर शेयर करूँगी। और ये देखिए क्रॉकरी आपको हर तरीके की जो स्टाइलिश होती हैं, जैसे आप रेस्टोरेंट वगैरह में देखते हैं तो वो देखने को मिलेंगी यहाँ पर, फूड सर्विंग के लिए, स्नैक्स के लिए या राइस वगैरह के लिए बहुत अच्छे अच्छे हैं। डेकोर के लिए भी काफ़ी सारी चीज़ें थी, जैसे आप चाहें तो अपने किचन वगैरह में भी डेकोर कर सकते हैं, तो वो भी काफ़ी जो है सेरेमिक में यहाँ पर आपको मिल जाएंगी। और ये तो सब वास वगैरह हैं, ये देखिए यहाँ पे पियर, तो बहुत सुंदर क्यूट क्यूट सी भी चीज़ें थी यहाँ पर, तो ये देखिए कितनी सुंदर लग रही है। और बस यही सब हम चीज़ें देख रहे हैं, तो यहाँ से तो मैंने कुछ क्रॉकरी खरीदी है, वो मैं आपके साथ जल्द ही शेयर करूँगी। और ये देखिए एक कितना प्यारा पम्पकिन है, तो ये एज अ वास भी आप यूज़ कर सकते हैं और रखने में बड़ा अच्छा लगेगा आप चाहें तो। तो इनके प्राइस तो वही है 150-150 रुपये बोल रहे हैं, तो थोड़ा सा बार्गेनिंग करने में ही आपको प्राइस एक्चुअल पता चल सकते हैं। और ये आ गए हैं फ्रेम्स वगैरह फिर से, मतलब बहुत सारी चीज़ें लकड़ी की तो ऐसी पड़ी हैं, पर इनको लेने में थोड़ा सा रिस्क ये लगता है कि इनके अंदर जो है दीमक ना लगी हो, और एक काफ़ी ख़राब भी हो चुके हैं, तो और प्राइस ही कम करने को तैयार नहीं होते हैं। मतलब फ्रेम अगर 100 रुपये का बताएंगे तो 100 रुपये पर ही अटके रहेंगे, फिर कहीं जाकर चलो ठीक है 70-80 कर लेंगे। और ये अब इनको लग गई है भूख, तो ये सब खा रहे हैं पॉपकॉर्न, क्योंकि और कुछ ऐसा खाने को नहीं था और इन्होंने सबने बस यहाँ पर जो है पॉपकॉर्न ही खाए हैं। सो हम आ गए हैं घर वापस और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, क्योंकि ट्रैफिक इतना भयानक था, कम से कम 1 घंटा तो ट्रैफिक ट्रैफिक में खड़े रहे हम। और तो नहीं आएगा। हाँ बेटा तो नहीं, हाँ इसके टॉय नहीं आए कि ओके, ये इसलिए दुखी है। और अब जो भी शॉपिंग हमने की है वो सब हम आपको कल दिखाएंगे विद अ न्यू व्लॉग, तो उस व्लॉग को ज़रूर देखना और देखना हमने क्या क्या शॉपिंग की है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट व्लॉग आएगा वो बंजारा शॉपिंग हॉल का ही आएगा। और चलिए अभी के लिए बाय बाय, टेक केयर एंड सी यू सून विद द नेक्स्ट व्लॉग।